रश्मि बात हुई जमाइसा से, वो आ रहे हैं बेटा। माँ वो मीटिंग में बिजी हैं अभी। अरे मने तो चिंता हो रही है जी चिक्की की, पता नहीं वहाँ के ब्याह में ये चलन होगा जमाने का। 30 के होंगे तो ब्याह होगा, 40 के होंगे तो बच्चे होंगे, और जब अपने बच्चे को वो स्कूल छोड़ने जावेगी तो लोग यही सोचेंगे ये दादी आई है स्कूल को छोड़ने को। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। अरे ना ना, यही सही समय है। मारी बात तू गांठ बांध ले, जब तारा ब्याह होवेगा ना तब जल्दी से बच्चा कर लेना, ताकि हमें भी इंतजार ना करना पड़े और थारे ससुराल वालों को भी इंतजार ना करना पड़े, समझी ना। खाओ क्या आप बुआ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? शादी और बच्चों का क्या कनेक्शन है? आप भी ना। क्या बारिश हो रही है ना, मजा आ गया। इसलिए हम गर्मा गर्म जलेबी ले आए। जलेबी? आओ बैठो। माँ को इस मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाना बहुत पसंद है, इसलिए रास्ते में आते हुए बनवा लाए। आज ही लानी थी बेटा। मतलब? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो लीजिए ना, खाइए ना, ठंडी हो रही है। लीजिए। लीजिए? नहीं बेटा, वो मैं नहीं खा सकती, वो मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग? डाइटिंग दादी आप? मॉम, डाइटिंग? हाँ, क्यों नहीं? तुम कर सकते हो, बड़ी बहू कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? लेकिन आपको क्या जरूरत है डाइटिंग करने की? बेटा मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, वजन कम करना है, चलने फिरने में परेशानी होती है। माँ आप बिल्कुल ठीक है, आपको किसने कह दिया कि आप मोटी हो गई हैं? हाँ सब जानती हूँ मैं, तुम लोग नहीं चाहते ना कि मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तुम सब सुन लो बस। हाँ हाँ भाभी, बच्चा नहीं चाहते। अच्छा, पर क्यों? मुझे नहीं पता भाभी, प्लीज आप ये बात किसी से मत कहना। हाँ रश्मि, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तुम चुप हो जाओ और अपने आप को संभालो, नहीं तो बाहर किसी ने तुम्हारी ऐसी शक्ल देख ली ना तो सबको शक हो जाएगा। देखो उनसे बैठ के बात करो, उनसे पूछो कि क्यों नहीं, और उन्हें अपने मन की बात बताओ। अच्छा पहले ये बता, तुम्हारे मन में क्या क्या बात है रश्मि, तुम इतना रो क्यों रही हो? बोलो ना, कोई और बात है क्या, मुझे बताओ ना। रश्मि किसी भी राइट पे नहीं बैठी तुम। देखिए ना माँ कितनी डरपोक है ये, अभी भी वैसी की वैसी है। निखिल जी से घुमाने ले गए थे और ये किसी भी राइट पे नहीं बैठी। भाभी वो मुझे चक्कर आते हैं ना, इसलिए मैं नहीं बैठी। कर लो मजाक दोनों मिलकर। और वहां भाई साहब बहुत गुस्से में है, पहले लल्ला फिर चीकी बहू। वैसे क्या बातें हो रही थी, मैं भी तो सुनो। नहीं माँ वो बस, भाभी मत बताना, ये ननंद और भाभी का सीक्रेट है। हाँ माँ ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है, रखो अपना सीक्रेट अपने पास। लेकिन रश्मि तू कब मुझे नानी होने का सुख दे रही है बेटा? अब बहुत इंतजार करा लिया तू। माँ मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे अरे मन्ने अट्ठे ही रखी थी, पता नहीं कट्ठे गए। हे भगवान, हमारी पूजा को बखत हो गई है, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर तो भगवान जी को रेस्ट करने दो, उपरी थोड़ी ना बैठे रहते आपके लिए। ना डिस्टर्ब करते आप उन्हें। माँ
अरे माँ, दांत के डॉक्टर से टाइम ले लिया। तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती? मैं तो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अनन्या ने चालाकी से मुझसे पूछ लिया है। तुझे तो बाद में देखूंगी। माँ, उससे पहले डॉक्टर आपका दांत देख लेंगे। अरे मैं जाऊंगी नहीं। अरे जब मैं जाऊंगी ना, वो देखेगा कैसे? मैं तो देखूंगी, मैं तो जाऊंगी ना। अरे दादी, एक बार दांत का दर्द बढ़ जाए ना तो बहुत खतरनाक होता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो दांतों का डॉक्टर होता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखिए माँ, मना तो आप कर ही नहीं सकते, आपको अपना दांत डॉक्टर को दिखाना ही होगा। हाँ दादी, तो ठीक है, फिर एक शर्त पे जाऊंगी। कैसी शर्त? तुम सबको भी दांत दिखाने होंगे। हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम सबके सब डरपोक हो। बड़ी दादी, मैं आपके साथ चलूंगी डेंटिस्ट के पास, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ, नन्या जाएगी आपके साथ। भाई साहब, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ, हमारी पूजा की माला ना मिले हैं और संध्या को बखत होगी। और यही कही होगी बुआ जी, मैं ढूंढ देती हूँ। मन्ने तो लागे है जे लल्ला ने ही रखी है कहीं। नहीं नहीं भाई साहब, लल्ला पूजा के सामान के साथ कभी छेड़खानी नहीं करता, और वैसे भी वो तो ऊपर है ना मुन्ना के साथ। नीचे कहाँ आया है लल्ला? हाँ बुआ जी, यही कही होगी, अभी मिल जाएगी, मैं ढूंढती हूँ। इतने बरसों से मारी पूजा कभी छूटी ना। अरे वाह छोटू, ये तो बड़ा स्मार्ट काम किया तूने। वहाँ बुआ जी परेशान हो रही होगी ना? हाँ, और मैं उन्हें ऐसे रोज रोज परेशान करूंगा। तो मुझे परेशान करती है ना, बहुत गुस्सा भी करती रहती है। अब आपने मुझे ये बात बता दी, अब मैं जाके सारी बातें बुआ जी को बताऊंगी। बुआ प्लीज, तो कुछ मत बताना। क्यों क्यों क्यों? उस दिन तो तूने मुझे चॉकलेट लेके भी मेरा सीक्रेट आउट कर दिया था ना, मैं तो जाके बताऊँ। कितनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर अब तक ना मिले। अरे माला ने पंख तो ना है ना कि उड़ जाएगी। I hate girls, उनके पेट में कुछ बात ही नहीं रहती है। बुआ जी, आप भाभी माँ की माला यूज कर लीजिए ना पूजा के लिए। जिस बारे में जानते ना हो ना, उस बारे में मुंह ना खोलना चाहिए। चिकी जी, कोई ऐसी वैसी माला ना थी, जे तो मारे गुरु जी ने दी थी मन्ने, जे तुलसी की खास माला थी। क्या करें, सब जगह तो देख ली आप, माला नहीं मिल रही। भाई साहब क्या करें, मारी पूजा को बखत पे खत्म हो गई हो, इतने बरसों में आज पहली बार मारे से मारी पूजा ना हो पाई। अरे ओ महारानी, तू कठे बागीचे में घूम रही है के? अरे तू भी ढूंढ ना जी। पर एक मिनट, हरे को पता है क्या ढूंढना है? ये भगवान, मारी पूजा की माला ना मिले है, पाप को ढूंढ। जी वो मैंने तो लल्ला के पास दिखी थी। के? मर गया लल्ला। अठिया आपने बुआ जी की माला ली है? इब भी पूछ रही है बहू। अरे मन्ने तो पहले से ही पता था कि माला यहाँ के पास ही है, और कठे जावेगी। दे दो माला अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है मम्मा, मैंने कहा ना। फिर टन्ने कैसे बोल दिया,
कि माला यहाँ के पास है। झूठ बोली के? सॉरी दुल्हन आंटी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ रही है, पर मैं बाद में आपको सॉरी बोल दूंगा। वही मैं सोचूं भाई साहब कि लल्ला इस तरह के खेल कभी नहीं करता। जो पूजा का सामान है ना भाई साहब, बिना पूछे लल्ला इसे छुएगा तक नहीं। मम्मा मैं खेलने जाऊं? थैंक यू मम्मा। ये रुको, ये देखो पकड़ा गया ना चोर। देख कि देख देख थारे छोरे के करतूत इपके में गलत बोलू हूं के? अरे अपने छोरे ने काबू में रख, वरना पछतावेगी एक दिन। बस में ना है छोरा, जाको कस के रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब पूछ याने, पूछ काहे ली थी मारी माला। खुद तो डांटती रहती है पूरा टाइम और दूसरों से भी डांट खिलवाती है। ये क्या बदतमीजी है, इतनी बार मना किया आपको डुकू, इतनी शरारत मत किया करो, परेशान मत करो सबको, पर आप क्यों नहीं सुनते हो? बहू बेटा, अब लल्ला आगे से नहीं करेगा, मैं बात करूंगी इससे। नहीं माँ, आज मैं बात करूंगी इससे, बहुत हो गई इसकी मस्ती। वो अजी ठीक कह रही है, सर पे चढ़ गया है, कुछ नहीं सुनता है। हर टाइम मस्ती, हर टाइम शरारत, एक बार दो बार अच्छा लगता है, पर हर बार क्यों डुकू, क्यों शरारत करते हो, क्यों परेशान करते हो सबको, क्या है ये? सॉरी मम्मा। सॉरी मुझसे नहीं, बुआ दादी से कहो, और सबसे पहले ये माला वापस करो। चलो, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, माला वापस करो। सॉरी बुआ दादी। सॉरी बुआ जी, आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको परेशान ना करें। बहू, मेरे ख्याल से बेटा तूने लल्ला को बहुत ज्यादा डांट दिया। बात करूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी उसे कमरे में रहने दीजिए, उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ के बोलो। माँ क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? आपकी दाद में अभी भी पेन हो रहा है बड्डी दादी। अरे पिता, दांत होगा तो दर्द होगा ना। हाँ, दादी का दांत निकालना पड़ा, यही समस्या तो है इन डॉक्टरों की। वैसे तो डर के मारे कोई इनके पास जाता नहीं, और कोई जाए तो उसे ऐसे धर लेते हैं जैसे सबकी कसर उन्होंने आज ही निकाल दी। हाँ, ऐसा नहीं है। अरे बेटा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे मरीज कह रहा है कि एक दांत में दर्द है, तो नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि चार दांत निकलवाने पड़ेंगे। भला ये भी कोई बात है, है? नाच, नाच बेटा, रो क्यों रहे हो? वैसे आप कहते हो कि आप बिग बॉय हो। हाँ, मैं बिग बॉय हूँ। इसलिए तो रोना बंद करो। देखो, गलती आपकी थी ना, तभी तो मम्मा ने आपको डांटा है ना। अब आप भी मुझे डांट रहे हो, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। बस बस, आ जाओ, आ जाओ। मैं भी यही डायलॉग मारा करता था। देखो, मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, हम सब आपको कितना प्यार करते हैं। चलो रोना। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, सब लोग बुआ दादी के फ्रेंड है और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। अरे रुको, हंसी आ रही है तुझे, और वहां बेचारा लल्ला। बस बस माँ, अब आप रोना शुरू मत कर दीजिएगा। तू चुप कर मुन्ना। ये सही है माँ, पोते को डांट पड़ी तो आप दुखी हो रही हैं, और बेटे को डांट रही हैं, ये अच्छा है।
अभी 10 मिनट में ना आपको मस्ती करता हुआ दिखाई दे जाएगा, ये उससे कहाँ चुपचाप बैठा जाएगा। कितना अच्छा मौसम है ना निखिल, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे वॉक पर क्यों लाई, लेकिन मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है, इनफैक्ट कभी बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों निखिल? क्योंकि मैं तुमसे कह चुका हूँ रश्मि, मुझे बच्चा नहीं चाहिए और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। तुम एक ही बात को बार बार क्यों पूछती हो मुझसे? लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए रश्मि, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ। लेकिन मेरे इमोशंस का क्या निखिल? रश्मि प्लीज, ये रोज रोज का इमोशनल ड्रामा मेरे साथ मत किया करो, मैं एज इट इज बहुत परेशान हूँ, प्लीज। लल्ला कहीं नजर ना आवे हैं? ये बात है, कहीं सो तो ना गयो? लो अब पूछू तो पूछू कैसे? अरे छोटी दुल्हन, लल्ला कट्ठे हैं? मनरू पूछ रहा था वाने। मैं दादाजी के पास अभी गई थी, सो रहे हैं वो, थोड़ी देर में भेजती हूँ लल्ला को। हाँ ठीक है ठीक है। कि बने कोई झेल तो बता दो कि लल्ला है कट्ठे और के कर रिया है, कहीं रो तो ना रिया है? की करे, बहू ने भी वाको ज्यादा ही जोर से डांट दिया था, वो भी के करे, छोरा है भी तो बड़ा शैतान, पर आखिर है तो मारा ही लाडला ना। देख रही है बहू कितनी बेचैन है भाई साहब, बच्चे प्यारे होते हैं और अपने पोता पोती तो सबसे प्यारे होते हैं, उनको लल्ला के बिना रहा ही नहीं जाता। कितनी देर हो गई, तो मुझे मनाने ही नहीं आया, तो फिर मुझे भी नहीं मानना। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे आपकी सॉरी भी नहीं चाहिए, मैं कटती हूँ। मन्ने कौन सी बट्टी करनी है थारे से, मैं तो चिक्की से मिलने आई थी, कल जा रही है ना मारी लाडली। हाँ वो लाडली, पर मैंने मुझे तो हमेशा कुछ करती रही। चिक्की कर रही हो ये तू? कपड़े रख रहा हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, सब गुस्सा करते रहते हैं बस। अच्छा ठीक है, जैसी थारी मर्जी। अब बहुत हो गया लल्ला का गुस्सा, अब उसे मना लेना चाहिए, नहीं तो वो सच में उदास हो जाएगा। अच्छा सुन, बरसाती ली के ना बाहर जोरों से बारिश हुए हैं। मुझे पता है। और ये जूते पहन के जावेगा तो पानी में सड़ जाएंगे, चमड़े के जूते हैं थारे, फिर के करेगा? और कपड़े भी खूब सारे रख ले, क्योंकि गिरजा ना होवेगी वहां धोने के वास्ते, और वैसे भी तू चला जावेगा तो तेरे कपड़े को के करेंगे, है ना? छोरे पैसे है ना थारे पास? बहुत सारे, ये देख लो। ये पैसे तो 6-7 दिन ही चलेंगे। अच्छा छोरा ये तो बता, रेवे का कट्ठे सड़क के किनारे या रेलवे स्टेशन पे? पार्क में रहूंगा। हाँ ये तो अच्छी बात है, घर के घने नजदीक है, पर वहाँ मच्छर बहुत सारे हैं, अपना ख्याल रखना अच्छे से। हाँ छोरे,
मुझे भेजना चाहते हो ना, लेकिन अब मैं गुड बॉय बन गया हूँ। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मतलब? मम्मा पापा दादी दादाजी बड़ी दादी दादाजी का ख्याल आ गया। अगर मैं चला जाऊंगा तो वो लोग सब उदास हो जाएंगे ना। अरे नाना छोरे, वहाँ लोगों की चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी वाने। और वैसे भी तूने अपना इतना मन बना लिया है तो जा, चला जा। हाँ। नहीं, मैं बाद में कभी चला जाऊंगा, जब सब लोगों को समझ आ जाएगा कि मुझे अभी जाना है। हाँ ठीक है, जैसे थारी मर्जी। मैं तो चीकी को देखने आई थी, कठे है वो छत पे। मुन्ना की बहू, जे थारा लल्ला है ना, वह किसी के काबू में ना है, वहां को जरा कस के रख ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।